28 दिन में ये सूप बना के आप पी लो, आपको 28 तरीके के फायदे होंगे। ये सूप आज मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे कई सारी सब्जियां हमने ली हुई हैं और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूप बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 1 गिलास पानी आपने ले लेना है और उस पानी को धीमी गैस पे आपने छोड़ देना है। अब ये धीरे धीरे करके गर्म होता रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे। ये मसाला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे घर में तैयार करना है। ये 1 चम्मच मसाला हमने डाल दिया और इसके साथ साथ हमने ये डाल दी है एक, हमने करीब 10 ग्राम के आसपास, या आप क्या करिएगा एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा ये दालचीनी का। ये दालचीनी हमने इसमें इससे डाल दी है। अब ये अब तक यहाँ पे उबल रहा है। इसके साथ साथ एक चीज हमने इसमें रखी हुई है जो सबसे लास्ट में हम डालेंगे। ये चीज क्या करेगी, ये जितनी भी सब्जियां हैं इन सबको ये पचा देगी आपको। तो इस सब्जियों के क्या फायदे और इस सूप में क्या क्या डालना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, हम ये प्यारी प्यारी लौकी ले लेंगे। व्हाइट कलर की लौकी है ये, अंदर से आप देख रहे हो पूरी ये सफेद है। इसको हम डालेंगे, छोटा टुकड़ा हमने लिया और इसको हम धीरे धीरे छील देंगे। अब देखो, मुझे किचन में काम करना नहीं आता ना, तो इसलिए मैं ऐसे ही छील दे रहा हूं। आप जरा ध्यान से छीलना और इसके फायदे आप उठाना। आप देखिए लौकी के क्या फायदे हैं, ये पेट के अल्सर को दूर करने में हेल्प करती है, इजीली डाइजेस्टेबल है। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं भैया कि लौकी का जूस पी लो, लौकी को अपने खाने में शामिल करो, जिससे आपका जो खाना है वो अच्छे से पचेगा। अब इसके हमें क्या करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं लौकी के और इसको डाल देंगे। तो लौकी के जो फायदे आपको जूस से मिलते हैं, लौकी की सब्जी से मिलते हैं, वही फायदे आज आपको सूप के रूप में मिलने वाले हैं। छोटे छोटे टुकड़े आपने काट लेने हैं जितने आपने खाने हैं जिस तरीके से। और यहाँ क्या होगा, इस लौकी को भी हम अभी इसी पानी में डालने वाले हैं। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ये क्या करेगी, डाइजेशन अच्छा करेगी। आपके पेट में अगर अल्सर वगैरह हो रहे हैं उनमें हेल्प करेगी। किसी को गैस बहुत बन जाती है ना, तो उसमें भी हेल्प करेगी। और जब ये आप सूप पियोगे तो ये सूप आपको ये सारे फायदे करेगा। तो ये आप रात के वक्त पीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हमने ये लौकी ली और ये इसमें डाल दी है इस तरीके से। ये एक छोटा टुकड़ा था, ये डाल दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। और इसमें क्या था ये तो मैं बताऊंगा ही। अब इसको धीरे धीरे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब हम दूसरी चीज डालने जा रहे हैं इसमें, ये है चुकंदर, बीटरूट जिसे बोलते हैं। इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप एक चुकंदर भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो। आपने इस तरीके से काटना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके। और ये चुकंदर जो है आप देख रहे हो कितना प्यारा, अंदर से एकदम लाल रखा है। अगर आप ये चुकंदर खाओगे तो आप भी इसी चुकंदर की तरह लाल हो जाओगे। पूरे 28 दिन अगर आपने चुकंदर का सेवन कर लिया तो इसके अंदर जो आयरन है, B12 है, इसके अंदर जितनी भी ताकत आपको भगवान ने दी है, वो आपको नेचर की जो ताकत है वो आपको अच्छे से मिलने लगेगी। देखिए हमने, अब आप देख सकते हो ये काटने में इतना लाल लाल निकल रहा है, तो ये जब आपको लाल कर देगा तो कितना अच्छा लगेगा और आपका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आप क्रीम लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका काम इस चुकंदर से ही हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा आयरन है, इसमें बहुत अच्छे दूसरे तत्व है, इसमें मैग्नीशियम है, B12 अच्छा है। तो चुकंदर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड बढ़ाएगा, एनीमिया की दिक्कत किसी को अगर हो रही है, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इसमें डाल देना है। आप देखोगे जैसे चुकंदर इसमें जाएगा तो ये जो है लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और चुकंदर जो है आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को B12 की कमी हो जाती है वो भी इसको ले सकते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। शरीर जिनकी कमजोर रहता है, जिनको बहुत थकान रहती है, तो जब आप ये सूप पियोगे तो आपकी वो थकान भी ये दूर कर देगा। इस तरीके से देखिए, ये हमने डाल दिया धीमी गैस पे, धीमी गैस पे ये अच्छे से उबल रहा है, ठीक है, ये तैयार हो गया। अब हम इसमें दूसरी चीज डालेंगे, वो डालने वाले हैं हम ये गाजर। अब गाजर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि गाजर में विटामिन ए है, आंखों के लिए अच्छा है। देखिए जब गाजर को आप काटते हो तो ये क्या दिख रहा है, ये हमारी आंख दिख रही है, ये पूरा आंख की तरह है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, ये बीटा केराटिन जो होता है वो आपकी आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है और शरीर के दूसरे अंगों के लिए भी बहुत अच्छा। और ये भी हमने डाल दिया। हम लोगों को बोलते हैं गाजर का सलाद खाना चाहिए, गाजर का जूस पीना चाहिए, तो वो फायदा भी आपको इससे मिलेगा। अब इसमें जो मैं ये चीज डालने जा रहा हूं, ये आप आसानी से जानते होंगे, इसे आंवला बोलते हैं, आपके घर के आसपास मिल जाएगा। आंवला को हमने काटना है इस तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में। और आंवले में क्या है, विटामिन सी बहुत अच्छा है। और आंवला को तो अमृत फल कहा गया है। क्यों कहा गया अमृत फल पता है आपको, क्योंकि इसमें आयुर्वेद में जो षड्रस चाहिए वो इसमें हमें मिल जाते हैं इसमें, तो हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा दूसरा क्या, विटामिन सी अच्छा होने से इसमें
क्या फायदा मिल रहा है कि आपने जितना भी ये चुकंदर का आयरन लिया या दूसरी चीजों को लिया तो उसको पचाने के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये साथ के साथ क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेगा। तो आप अगर अगले 28 दिन इसे पीते हो तो आपकी जो है 12 महीने के लिए इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम एक सलाह सबको देते हैं कि एक आंवला अगर आपने जिंदगी में समा लिया तो आपको बहुत सारी दिक्कतों से फायदा होने लगेगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, गैस की एसिडिटी की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपको जिसको वजन कम करना है तो उसके लिए भी ये अच्छा है। अब देखिए ये जो है हरी मिर्च, हम इसमें क्या करेंगे, एक और दो हरी मिर्च हम डाल देंगे, क्यों, क्योंकि आपको जितना टेस्ट के लिए मिर्च चाहिए। लेकिन ये मिर्च क्या करती है, ये भी डाइजेशन को अच्छा करने का काम करती है, ये भी हीमोग्लोबिन बनाती है और पेट में ऐसी चीजें पैदा कर देती है जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए ये मक्के के जो दाने हैं, कॉर्न जिनको बोलते हैं, ये भी डाल देंगे। अब ये आपको अगर वजन कम करना है उसमें फायदा करेगा, डाइजेशन अच्छा करना है उसमें फायदा करेगा। कई सारे लोग चाहते हैं कि सर्दियों में हम खाए खूब लेकिन हम अच्छे से पचा लें, तो ये उसमें भी फायदा करेगा। इसके साथ साथ ये आपका वजन नहीं बढ़ने देगा, अगर आप इसको रात के खाने की जगह ये लेते हो तो पूरी ताकत देगा खाने के बराबर और आपको कमजोरी कहीं नहीं आने देगा, आपके शरीर को मजबूती बढ़ाएगा। अब ये इस डिब्बे में जो है वो मैं डालने जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो है अजवाइन है, ये अजवाइन को हल्के से सेंधा नमक के साथ भून के तैयार किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस हमाम दस्ते में इस तरीके से कूट के और उसके बाद इसमें इसको डाल देंगे। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा, ये आपके खाने को जो आपने तैयार किया ये सूप उसको अच्छे से पचा देगा। अब इसको हमने इस तरीके से चला दिया। अच्छा, आप कई लोग पूछ रहे होंगे कि जो शुरू में मसाला डाला था वो क्या था, तो हमने क्या था, जीरा सेंधा नमक एक दो चीजें मसाले की डाल के उसको तैयार किया था। आप कोई भी घर में मसाला तैयार कर सकते हो, उसको ले सकते हो, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी सिंथेटिक वाला चीज ना हो, जैसे जो मार्केट में इस तरीके की चीजें मिलती है जिनकी लाइफ बढ़ाने के लिए कोई ना कोई केमिकल उसमें मिलाया जाता है, तो वो ना हो, आपका घरेलू तैयार हुआ हो। आप देखिए कितना अच्छा लाल रंग का कितना सुंदर सुंदर सूप तैयार हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से अपने खाने में शामिल करो, रोज रात के खाने को अगले 28 दिन के लिए आप इस सूप से रिप्लेस कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भी बहुत फायदा होगा। ठीक है, और जो भी इसको पिएगा उसका एनीमिया दिक्कत होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आयरन की कमी नहीं होगी, साथ के साथ शरीर में ताकत बढ़ेगी और चेहरा तो एकदम लाल निकल के आ जाएगा। अगर आप बहुत सारी क्रीमें यूज करते हो तो आपको किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो सूप है आपकी तमाम दिक्कतों में फायदा करेगा। ये पी लो 28 दिन, 28 बीमारियों से दूर हो जाओ, 28 तरीके के फायदे इसको उठा लो। इसको आपने बस केवल निकालना है और अपने किसी बर्तन में डाल के और इसको अच्छे से खा लेना है, और इन सब्जियों को अच्छे से चबा चबा के, देख रहे हो कितना प्यारा उबाल आ रहा है इसका, तो मतलब देख के मुंह में मेरे पानी आ गया कि इतना अच्छा है ये। तो इसको आपने आराम से निकाल के और पी लेना है और अच्छे से, और इसके क्या क्या फायदे आपने उठाए वो हमें भी बताने हैं। मेरा नाम मयंकपुर वाले, ऐसी और चीजें जानने के लिए आप मुझसे करनाल प्लस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।